डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के पेपर कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर रिलीजियस टूरिज्म के जो अवसर हैं हमारे पास में वो क्या है बेसिकली, या हमारे यहाँ किस तरह से जो है अपॉर्चुनिटी है कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है अगर हम कहें तो रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, सेक्रेट टूरिज्म या फेथ टूरिज्म, ये एक टाइप ऑफ टूरिज्म है और जो कि जिसके मेन सब टाइप्स हैं आपके हैं पिलग्रिमेज, जब आप यात्रा कर रहे हैं रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, या दूसरा हो सकता है कि आप रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। तो दो पर्पस हो सकते हैं जो लोग जाते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, उनके दो पर्पस बेसिकली हो सकते हैं, या तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या वो उन स्थानों पर जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं या आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं उनकी सुंदरता को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको हम कह सकते हैं कि जब आप विजिट करना चाह रहे हैं किसी भी शहर में, किसी भी टाउन में या किसी भी देश में और आपका उद्देश्य रिलीजियस है, धार्मिक उद्देश्य से अगर आप जा रहे हैं तो वो रिलीजियस टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो रिलीजियस टूरिज्म जो है हम देख रहे हैं बच्चों कि आज जो है बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर बहुत सी एग्जॉटिक रिलीजियस प्लेसेस हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, खास बात है उनकी, बहुत मान्यता भी है। तो रिलीजियस टूरिज्म जो है वो डेवलप इंडिया के अंदर कई कारणों से हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, जैसे आप सभी को पता है केदारनाथ, महाकालेश्वर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ इत्यादि बहुत से जो ऐसे स्थान हैं जो कि इंडिया के अंदर जो है जिनकी अपनी धार्मिक जो है इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इवन फॉरनर्स भी इंडिया के अंदर आते हैं इन जगहों पर घूमने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है बहुत जो है उसको इस बारे में जो है जागरूक है कि रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के अंदर जो है आर्थिक फायदा होता है इससे, इकोनॉमिक जो है वो हमारे देश की बेहतर होती है इससे। और ना सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है रिलीजियस टूरिज्म की वजह से, बल्कि एक सबसे बड़ा साधन है इंडिया के अंदर जो है कि ये एक पीस भी डेवलप करता है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो इससे पीस भी डेवलप होती है। और टूरिज्म जो है बेसिकली एम्पावर करता है लोगों को, साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने से लोकल कम्युनिटी के अंदर जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं, आधारभूत जो सेवाएं जो हैं वो डेवलप होती हैं, इससे इनकम जनरेट होती है वहां के लोगों लोकल लोगों के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेटर हो जाता है और उस क्षेत्र का विकास भी होता है जहां जिस जगह पर जो धार्मिक स्थान है उसका जो है विकास भी होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही छत के नीचे जो है हमें बहुत सारे बेनिफिट जो है मिल जाते हैं। कहने का मतलब है अगर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे सामाजिक सांस्कृतिक एकता भी मिलती है हमें, और आर्थिक विकास भी होता है, इनकम भी जनरेट होती है, लोकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है इस ओर ध्यान दे रही है। हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी जो हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो वहां पर रह जाती हैं, क्योंकि कई जगहें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर लोग उन जगहों पर जाते हैं या कोई स्पेशल मौके पर उन जगहों पर जाते हैं और बाकी साल जो है नहीं जाते हैं, जैसे कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर है, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इवन अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से एयर पॉल्यूशन है, मोनेटाइजिंग हो गया है, रिलीजन को जो है मोनेटाइज कर दिया गया है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। इवन जो बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो भी इसका जो है नेगेटिव जो है असर डालती है, कई बार अगर वो टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग कर रही होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है हमारे को देखने को मिलती है।
बट इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, प्रॉपरली पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर डेवलप किया जाए, तो ये इस रिलीजियस टूरिज्म में हमें काफी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है आपको समझ में आया। और इसमें साथ साथ हम ये भी देखते हैं बच्चों कि रिलीजियस टूरिज्म जो है इसमें काफी हमें ग्रोथ जो है मॉडर्न इंडिया के अंदर भी मिली है। मतलब मॉडर्न इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी समय से चला आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म की जो डाटा स्टेटिस्टिक्स रखती है उसने भी बताया है कि जो 5% इंडिया के जो अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है ग्रो करने की दूसरे कंपैरिजन जो है, हालांकि जो है उतना अभी इसको जो है डेवलप नहीं किया गया है, और जबकि इसके अंदर बहुत क्षमता है। और जो है ये साथ साथ जो है इंडिया जो है उसके अंदर जो रिसोर्सेस है इंडिया के पास जो है सांस्कृतिक जो प्राकृतिक नेचुरल है या जो हमारी हेरिटेज है या हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं या प्ले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत रिसोर्सेज हैं। तो इसीलिए जो है हम अगर चाहते हैं कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ पर आए तो जरूरत है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है बहुत प्रमोट करने के लिए, और सुविधाएं देने की जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि पर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो है इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है, जैसे हम कहते हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी नहीं है, कई जगहों पर सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हम ज्यादा हम कहें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि क्राइम एंड वायलेंस है कुछ जगहों पर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो है अभी जिस लेवल तक हम जो है रिलीजियस टूरिज्म पहुंचना था वो बेसिकली नहीं पहुंच पाया है। अदरवाइज तो इंडिया जो है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए फॉरेनर्स के लिए भी और डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए भी सबसे फेवरेबल जगह है, क्योंकि यहाँ सब लोग मानते हैं कि हाँ भगवान जो है उनकी धरती है ना, देवी देवताओं की धरती है, तो ये कॉन्सेप्ट सभी का है। और जो है टूरिज्म जो है उसकी मदद से इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भी जो है जब अगर हमारे देश में आते हैं तो इंडिया के कल्चर को वो भी जान पाते हैं। कुछ ऑफिशियल्स का अंदाजा है कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसने ग्लोबल टूरिज्म के अंदर जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम कहें कि कितना नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स की बात करें या उनसे होने वाली अर्निंग्स की बात करें, तो ये कहा गया है कि परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है। जो मेन रीजन रहा है रिलीजियस टूरिज्म का इंडिया के अंदर जो है वो बेसिकली जो है क्या है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होता है इससे, जो मेन रीजन है इसको बढ़ावा देने का। हालांकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तंगी जो है वो रहती है यहाँ पर, तो कुछ चीजों को अगर बेटर किया जाए जैसे सड़कें हैं और हेल्थ और हाइजीन की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, अगर इसमें गवर्नमेंट जो है इन्फेक्ट कर भी रही है, शुरू किया है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है जिससे कि जो है बहुत अधिक मात्रा में टूरिस्ट जो है यहाँ पर आ पाएंगे, डेस्टिनेशन पे डेवलप जो है वो कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं बहुत सारे जो और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है, छत्तीसगढ़ जो है उसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मतलब सभी स्थान जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत अवसर हैं जो है रिलीजियस टूरिज्म को जो है डेवलप करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली कि क्या जो है, जो हमने अवसर की बात की, हम उनको स्टडी करेंगे अगर ये रिलीजियस टूरिज्म के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों इसको पहले हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद आता है बच्चों आपका क्या कहते हैं रिलीजियस हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट कल्चर ट्रेडिशन एंड रिलीजन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट है प्रमोट पीस एंड हार्मनी, देन नेक्स्ट प्रॉपर सिक्योरिटी और लास्ट कम्युनिकेशन।
ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास में जो है रिलीजियस टूरिज्म से जो हमारे को होती है, यानी कि इतना सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से आप लोग समझ गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हुआ कि इससे जो है बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, जो है रोजगार के अवसर जो है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रोजगार के अवसर। तो ये लोगों को जो है लाइवलीहुड देता है, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन जो है उनको रोजगार के अवसर देता है। और जैसे कि सुली करादू, एक छोटा सा जो है सूखा रूरल एरिया जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, जो कि जाना जाता है वहां की जो ग्रामीण जो है देवी देवता है उनकी वजह से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा जो है कपूर से की जाती है, खास बात है। तो वहां पर आसपास जो है बहुत सारी दुकानें जो है वो लोकल लोगों ने सेटअप की हैं और जिसकी वजह से जो है वहां के लोगों को जो है उससे जो है एक तरह से रोजगार मिला हुआ है, उससे आमदनी होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ बेटा उदाहरण कि इवन मतलब देखो, एक छोटी सी जगह दूर दराज के अंदर जो एक सूखा सा गांव है और कोई किसी तरह के रोजगार के अवसर नहीं है वहां पर भी, क्योंकि उनकी जो है एक इम्पॉर्टेंट देवी जो है वहां पर स्थापित है जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं और उसकी खासियत ये है कि उनकी पूजा जो है कपूर से की जाती है, कपूर जो है उनको जो है ऑफर वो समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह से मदुरई में रामेश्वरम है, कन्याकुमारी, सबरीमलाई, तिरुपति, ये भी जो है इनसे भी हजारों नौकरियां जो है वो मिलती हैं और बहुत से अवसर मिलते हैं लोगों को कि लोग जो है यहाँ पर इसी तरह जो है उनको मौका मिलता है रोजगार का। तो आप सिंपल आप अपना देख लो, जो अपना हरिद्वार ऋषिकेश अगर जाओगे या जो भी, और चाहे वैष्णो माता जा रहे हो या किसी भी जगह पर जा रहे हो, बहुत सारे तीर्थ स्थान है बच्चों, वहां पर जाते हो तो क्योंकि वहां दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें रहने की सुविधा चाहिए, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें खाने पीने की सुविधा चाहिए, बहुत सारी अन्य चीजें भी वो खरीदते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो या गिफ्ट आइटम खरीदते हैं वापसी में जाने के लिए, तो उसकी वजह से जो वहाँ के जो लोकल लोग जो हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी जो है व्यवसाय खोले हुए हैं, दुकानें खोली हुई हैं, जिससे कि जो है उनको आमदनी हो जाती है। तो ये हमने देखा बेटा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि उस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही हो गया तो आपको एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गया, तो यानी कि आपको क्या मिला, बेसिकली इनकम आपकी हो गई। आप किसी भी एरिया में जब आप हो रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया और इससे लोगों की जो है ग्रोथ होगी और लोगों को जो है इकोनॉमिक जो है वो बेनिफिट भी हो जाता है। तो इस तरह से रिलीजियस टूरिज्म जो है वो क्या, उससे क्या हो रहा है, हमें रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू हो गया ना हमारे को, आय मिल गई, जनरेट हो रहा है। तो ये एक जो कि हमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एरिया के लिए। जैसे हरिद्वार के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा भीड़ जो है रहती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग जो है वहां पर आते हैं, या कुंभ का मेला जो है वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी और साथ साथ इनकम भी मिलती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिलीजियस हेरिटेज। तो रिलीजियस हेरिटेज की अगर हम बात करें तो किसी भी एरिया के अंदर जो धार्मिक स्थान है, जो पुराने बने हुए हमारे हैं स्थान है, कितने वर्षों से जो हमारे बने हुए हैं, तो उनको जो है उनकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है उन स्थानों के लिए जो एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, और उनकी जो है इंडिविजुअल जो है जब वहां पर लोग आते हैं तो वो कोशिश रहती है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या ओरिजिनलिटी जो है करेक्टर जो है उस जगह का, उसको बनाए रखा जा सके। तो बहुत से केसेस के अंदर जब डिवोटीज जो है वहां पर एंटर करते हैं रिलीजियस प्लेसेस के अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो वहां पर जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो चढ़ावा चढ़ाने से क्या मिलेगा, उस जगह के जो एरिया के लोग हैं उनको आमदनी मिलती है, और आमदनी मिलने से जो है वो उसको और अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं बेसिकली। तो ये बहुत ही जरूरी है कि उस जगह के वो हम ऑथेंटिसिटी को मेंटेन कर पाए, और जो है इसके लिए जो है
रिलीजियस टूरिज्म या जो अथॉरिटीज जो हैं वो वहाँ के लिए प्रॉपर नियम या पॉलिसीज बनाती हैं और जो है इंडिविजुअल्स भी उसको जो है सही तरह से जो है मानते हैं अप्रोप्रिएटली। तो इस तरह से क्योंकि हमने उस एरिया में डेवलपमेंट की तो उस डेवलपमेंट की वजह से उस धरोहर को जो है संभाल के रख पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या है, अगर वहां पर कोई आता नहीं है, ज्यादा लोग बाहर से आते नहीं है, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो जगह यूं ही कोई ध्यान ज्यादा नहीं दे पाएगा क्योंकि लोगों के पास भी उसके पास उसको ध्यान देने के लिए ज्यादा पैसा और वो नहीं होता है, पर उसकी मेंटेनेंस रह पाएगी अगर वहां पर लोग आ रहे हैं तो उनसे जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है उस पैसे को जो है लगाया जा सकता है। इसी तरह से हम बात करते हैं बच्चों स्पिरिचुअल हेल्थ की। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है आपकी किसी भी जगह से रिलेटेड जो है आपकी जो है वो लोग जो है उनको बहुत ज्यादा मान्यता है लोगों के अंदर। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो उन स्थानों पर जाते हैं। तो इससे बेसिकली क्या है, आपको इवन टूरिस्ट जो है उस जगह पर जाके मेडिटेट करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनको जो है आत्मिक जो है संतुष्टि मिलती है और लोग जो है इसलिए उन जगहों पर जाते हैं। तो वो भी बेनिफिट होता है क्योंकि अगर कई बार हम असंतुष्ट हैं बहुत जीवन के अंदर, बहुत परेशानियां हैं, तो आप देखोगे कि हम लोग कहते हैं कि चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं तो हमें आत्मिक शांति जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद आता है अवेयरनेस अबाउट कल्चर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तो जो है टूरिज्म की वजह से जो है आपका जैसे हमने देखा कि अभी कि भाई स्पिरिचुअल हेल्थ हमारे को मिली क्योंकि लोग जो हैं आजकल बहुत मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, सिर्फ जो है ये भौतिक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसकी उसको जो है उससे दूर जाके अगर हम जो है धार्मिक स्थानों पे जाएंगे तो हमें एक तरह से ये ज्ञान मिलता है कि भक्ति करना जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसी तरह से, ठीक है ना। तो और दूसरा रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी मदद से जो है जो नई जो जनरेशन है हमारी वो अपने कल्चर को जान पाती है। तो बेसिकली अवेयरनेस अबाउट कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन, तो जो हमारी नई जनरेशन है वो जब उन स्थानों पर जाती है तो हमारे देश के उस एरिया की क्या संस्कृति है, क्या परंपराएं हैं और हमारे धर्म जो है वो कितना विशाल है, वो क्या कहते हैं धर्म के अंदर, क्या ज्ञान की बातें हैं, उन सब चीजों के बारे में भी अवेयर या जागरूक हो पाते। ये तो आप मानते हो ना। तो अगर आप कभी किसी धार्मिक स्थान पे नहीं गए और पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं तो वो आपको बताएंगे उस जगह के बारे में कि बेटा ये 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 देवी देवता हैं या ये इनकी खास बात ये है और जो है इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या नियम है पूजा करने का, वो सारी जानकारी जो है आपको मिल जाती है। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है ना बेटा। सॉरी। उसके बाद आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी एरिया के अंदर जो है हम देखते हैं अगर जो है वहां पर टूरिज्म जो है रिलीजियस टूरिज्म को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो उस एरिया का जो है इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास होता है और सस्टेनेबल जो है इकोनॉमिक बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि साथ साथ जो है आपका बेसिकली जो है सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है आपका और आप जो है ये कोशिश भी कर रहे हो कि लोग जो है इस स्थान पर बार बार आए और उनको उससे फायदा भी हो। तो इस तरह से जो है हम कह रहे हैं बेसिकली उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो बेसिकली किस तरह से है हमारा कि बहुत जो बाकी टाइप की टूरिज्म है वो अगर किसी वक्त आर्थिक मंदी है या इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उस टाइप की टूरिज्म में जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो लोग जो है उस समय पर जो है उन जगहों पर उसको एडवेंचर टूरिज्म पे जाना है या किसी और जगहों पर जाना है तो वो लोग नहीं जाएंगे उस वक्त क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है। पर जो रिलीजियस टूरिज्म है वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जो उस समय के अंदर भी जो है वहां पर लोग जाते हैं। तो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म जो है वो लेस सेंसिटिव है हम कहें, क्योंकि इकोनॉमिक अप एंड डाउन जो होते हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर उनका जो है ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो कठिन समय है उस समय भी भगवान को जो है मानते हैं। हालांकि उनको ये है कि कोई बहुत अच्छा अकोमोडेशन ना मिले बेशक, पर वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं।
तो एक तरह से जो एक अर्निंग का सोर्स है वो भी बना रहता है. नेक्स्ट है प्रमोट पीस एंड हार्मनी, और जो है इससे जो है रिलीजियस टूरिज्म से जो है सामाजिक जो है समझ या जो हमारी आपस में जो पीस है जो है एकता जो है वो भी बनती है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ साथ जो है ये लोगों के बीच में जो है जो गैप है उसको, कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करता है. क्योंकि बहुत सारे जो है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं रिलीजियस टूरिज्म को, उसकी मदद से सभी धर्मों के लोग जो हैं, सभी जो है जातियों के लोग एक साथ बैठते हैं और जो है पूजा पाठ करते हैं. तो रिलीजियस टूरिज्म जो है हम देखते हैं ये अट्रैक्ट करता है हजारों लोगों को, जो लोग मिलकर रिस्पेक्ट करते हैं और साथ साथ एक दूसरे के लिए जो है काम भी करते हैं. तो ये वर्ल्ड के अंदर जो है हर सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर पीस और जो है शांति और एकता को जो बनाने के लिए जो है का एक बहुत ही अच्छा साधन है हमारा. साथ ही साथ जो है कि ये प्रॉपर सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है अगर हमें लग रहा है कि हाँ इस धार्मिक एरिया की वजह से जो है हमें आमदनी हो रही है और हमें पता, तो हम क्या कोशिश करेंगे उस एरिया को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, राइट, और वहां पर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो भी अडॉप्ट करेंगे. तो वही होता है कि उस एरिया के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है जहां भी जो है, ताकि कोई भी आके उस मंदिर को या उस पूजा का स्थान जो है उसको नष्ट ना करे. तो ये भी फायदा होता है उस एरिया के लिए. नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं तो बेसिकली क्या है कम्युनिकेशन, बहुत सारे धार्मिक जगहें हैं हमारे देशों में जहां पर कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी पर्सन जो है वो ये फील करता है कि उनकी सारी जरूरतें और इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी. इसलिए इस उद्देश्य से जो है एक इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, जो आपका बातचीत करने का माध्यम जो है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है बेसिकली. तो कम्युनिकेशन यानी कि जब हम अपने धार्मिक गुरुओं से बात करते हैं तो हमें धर्म के प्रति जो है आस्था भी डेवलप होती है और भगवान में विश्वास भी डेवलप होता है. तो ये बहुत सारे जो चीजें हैं जिसकी वजह से जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. इसी तरह से जो है रिलीजियस टूरिज्म, जैसे हमने बोला कि इससे एम्प्लॉयमेंट एक तरह से, तो हम निष्कर्ष में हम नॉर्मली कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म से जो है वो जनरेट करता है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अवसर, और टूरिज्म जो है ये स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार भी डेवलप होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं हमारे वो भी डेवलप होते हैं हमारे, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर जो प्राचीन समय से स्थापित हुई हुई हैं, जिनकी अपनी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस बनी हुई है, तो उन पर भी जो है वो ध्यान दिया जाता है. इसी तरह से रिलीजियस टूरिज्म के अंदर जो है ये हमें एक अवसर मिलता है जिससे लोग दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे देश के कल्चर के बारे में, वहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके बारे में भी जानते हैं. साथ ही साथ इससे हमारा जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है. इसमें अगर हम एक उदाहरण से आपको बताएं कि जैसे पिलग्रिमेज टूरिज्म, जैसे गंगा सागर आइलैंड जो है वहां पर अगर हम देखते हैं कि वहां टूरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको जो है बहुत आमदनी होती है जिस दौरान गंगा सागर मेला जो है, फेस्टिवल जो है, बेसिकली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो है इसके अंदर जो है लोग जो है अपने जो फेस्टिवल के अंदर जो है एग्रीकल्चर जो फील्ड जो है उनका जो खेत जो है उनमें वहां पर जो है मिलते हैं, वहां पर मेला लगाते हैं इस फेस्टिवल के अंदर. तो इसकी वजह से वो जो है उस जगह को जो है इंजॉय करते हैं, उन जगहों को उनका जो है वहां से जो है वो फेस्टिवल लगता है, मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है इस वजह से. और इसी तरह से जैसे है हमने बोला था कि किसी भी एरिया के अंदर जो है अगर टूरिस्ट जो है खर्च करता है तो उससे जो हमारे को इनकम मिलती है
वो उस क्षेत्र के अंदर, उस रिलीजियस प्लेस के अंदर जो है, उससे वहां का जो पार्किंग एरिया है या जो वहां के जो जो एरिया के अंदर डेवलपमेंट करानी है, विकास करवाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवानी है, उन चीजों में उस पैसे को लगाया जाता है और उस चीजों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी बहुत सारी, जिससे कि अगर हम टूरिज्म को डेवलप करें तो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है हमें होते हैं बेसिकली। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से जो है योगदान दे रही है, या गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है जो है वो रिलीजियस टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर वो किस तरह से जो है डेवलप हो रहा है हमारा। तो अगर हम देखें कि जो है रिलीजियस टूरिज्म के अंदर एक तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सबसे पहला है जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रसाद। प्रसाद तो इसको हमने फुल फॉर्म क्या दिया है इन्होंने, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। ये एक इनिशिएटिव है उनका, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ते हैं, ये इनिशिएटिव क्या कहता है उनका, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है आपका कि जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है बेसिकली वो है कि जो स्कीम का जो ये मिशन है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक विकास करना और जो है अच्छी सेवाएं जो है प्रोवाइड कराना टूरिस्ट को, साथ साथ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये सभी चीजें जो है वो चाहते हैं कि इस जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसका उद्देश्य ये है। ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है हमारी जो 12 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं उसके अंदर की गई। प्रसाद के जो है अलग अलग सिटीज जो है वो सिलेक्ट किए गए कि वहां पर उन एरियाज के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आ गया पिलग्रिमेज रिजुविनेट जो एरियाज को है फिर से डेवलप कर रहे हो, वहां की जो है सारी जो वहां पर सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सारी चीजें जो है डेवलप की करनी है, इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है वो है बेस्ड है डेवलपमेंट ऑफ सर्किट्स पर, जो हमने ये स्वदेश नाम रखा है। ये किस पर बेस्ड है, स्कीम बेस्ड है आपकी सर्किट्स इन द कंट्री। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट हमने उस दिन भी पढ़े थे ना रिलीजियस सर्किट्स होते हैं, अलग अलग जो है मैप के अंदर चेक किया जाता है कौन कौन से एरियाज हैं उनको आपस में जोड़कर वहां की जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए पूरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की है और ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है, सेंटर के द्वारा लॉन्च की गई है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है वो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स पर जो है कंट्री में किया जा रहा है। थीम बेस्ड हो गया जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हमने बना लिया, या जो है हमने जो है बेसिकली ये हिंदू सर्किट हमने बना लिया, या जो क्रिश्चियन वाले चर्चेज हैं उनका बना लिया, जो इस तरह से जो भी है उनको जो है हमने सर्किट जो है बनाए हैं। ये स्कीम का जो उद्देश्य है वो किसी भी जगह का आर्थिक विकास करना, जॉब क्रिएट करना, लोकल कम्युनिटी की को जागरूक करना जो है कि टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, उसका विकास करने की आवश्यकता है, ताकि जो है जो वहां के जो टूरिस्ट जब आए तो वो उनको अच्छी सेवाएं दे सके और साथ साथ आने वाला टूरिस्ट जो है वो भी सेटिस्फाई हो सके। तो उसके लिए ये स्वदेश टीम, तो पहला समझ आ गया, पहला थी आपकी प्रसाद टीम और दूसरी है स्वदेश टीम जिसमें डिफरेंट सर्किट्स को लिया गया है। इसके अलावा एक और जो है वो है आपकी एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, यानी अपनी धरोहर या अपनी पहचान। एडॉप्ट ए हेरिटेज यानी अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा सेटअप की गई है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन, और इसको लॉन्च किया था रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था। मेन उद्देश्य जो स्कीम का है वो है टूरिस्ट जो साइट्स हैं उनको डेवलप करना, साथ साथ वहां की बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको मेंटेन करना। बेसिक फैसिलिटीज कौन सी होती है बच्चों, जैसे पीने का पानी है, साफ सफाई है, ट्रेवल इंफॉर्मेशन या गाइडेंस देना, या वहां की प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो उसको मेंटेन, साफ सफाई क्लियरेंस करना,
ये सभी चीजें अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है, और इसके अंदर इन्होंने 93 मॉन्यूमेंट्स जो है वो इसको उनके इसके अंदर रखी, यानी कि 93 मॉन्यूमेंट्स को इसके अंदर रखा गया है। और एएसआई जो है वो प्रोटेक्ट करती है 3686 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, जिसके अंदर 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ये टोटल है हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें से अभी जो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंदर हमने 93 को रखा है। ठीक है, इसके अलावा 31 एजेंसीज या मॉन्यूमेंट मित्र जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं, ताकि ये किया गया है कि कुछ एजेंसीज जो हैं वो जो इनमें से जो हमने रखा 93 जो है उनको मॉन्यूमेंट्स को जो है अडॉप्ट कर ले। यहाँ लिखा ना अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, कि जो एजेंसीज हैं उनको कहा गया है कि वो अडॉप्ट कर लें एक ही उसको बेसिकली मॉन्यूमेंट को, और वो जिम्मेदारी रखें कि भाई किस तरह से आप उस मॉन्यूमेंट को जो है प्रमोट कर सकते। तो बच्चों हमने अब इस तरह से अब आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने से या इसमें कितने अवसर हैं इसके अंदर। तो रिलीजियस टूरिज्म को जो है हम मान सकते हैं कि ये एक सामाजिक और आर्थिक विकास का जो है एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी क्षेत्र के अंदर, और इस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस, इस पर ज्यादा हम जोर देने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट को भी ज्यादा इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्षेत्र की एकता के अंदर भी, उनको धर्मों को आपस में जोड़ने के अंदर भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर जैसे कि पर्यटन पर्व जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर देखो अपना देश जो है इसको एनकरेज किया जाता है, टूरिज्म फॉर ऑल इसको इस तरह से किया जाता है, प्रमोट करते हैं टूरिज्म को दूसरे देशों के अंदर भी, टूरिज्म एंड गवर्नेंस जो है इस फॉर्म में भी हम प्रमोट करते हैं, जो कि फोकस करता है गवर्नेंस ऑफ टूरिज्म के ऊपर, जिसके जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत ही एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट में भी, और वहां पर जो है पीस और हारमोनी डेवलप करने के अंदर। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। तो ये कुछ रेफरेंस के लिए आपको जो है साइट्स दी गई हैं, आप जो है सर्च करके इसके थ्रू जाके और डिटेल के अंदर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या अवसर हैं उनके अच्छे उदाहरण भी जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।